खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने रविवार को लोहरदगा जिला के कुड़ू प्रखंड क्षेत्र के सलगी गांव स्थित नीरा देवी ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल का इस वर्ष का प्रथम सर्वाधिक परीक्षा फल वितरण के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर विद्यालय परिवार एवं ग्रामीणों के द्वारा राज्यसभा सांसद एवं समाज सेवी उदय कुमार गुप्ता का माल्यार्पण एवं बुके देकर भव्य रूप से पारंपरिक तरीकों से स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों के द्वारा स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण एवं माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद साहू ने कहा कि इस क्षेत्र के जनता से मेरा विशेष लगाव है। यहाँ के लोग काफी मेहनती और मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। इस क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम का विद्यालय चलाना काबिले तारीफ है। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस विद्यालय के बच्चों का खेल एवं पढ़ाई में प्रगति के लिए हम अपने कोष से विकास करूंगा। साथ ही कहा कि इस क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामीणों के विकास हेतु मैं हमेशा तत्पर हूं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित समाज सेवी उदय कुमार गुप्ता ने कहा, बच्चों को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो हमारे समक्ष आए और उनका भरपूर सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इसके अलावा बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद साहू, सलगी पंचायत मुखिया ब्रिज मोहन भगत ने अपने विचार रखे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद के लोहरदगा प्रतिनिधि अशोक यादव, बिशनपुर गुमला एवं मांडर के विधानसभा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद, सुखेर भगत एवं निशार अहमद, कुड़ू पश्चिम के जिला परिषद सदस्य ब्रज किशोर भगत, वरिष्ठ कांग्रेसी जमील खान, चंद्रपाल साहू, मोती चंद्र यादव, कपिंद्र महतो, संजय चंद्र मुखर्जी, अमित साहू, मनीष शर्मा, दिव्यनाथ, राम भोला महतो, राजेंद्र भारती, बंधु बैठा, मजिद पवरिया, झलकू उराव, ईश्वर चंद्र कुजूर, वीरेंद्र भगत, दिलीप यादव सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा से अमर गोस्वामी की रिपोर्ट।